एचएलडी एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 90% घरों में गैस के सिलेंडर के रेगुलेटर को गलत तरीके से लगाया जाता है, जिसकी वजह से काफी लोगों को नुकसान भी हो सकता है। तो इस वीडियो में जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ गैस के रेगुलेटर को लगाने का, वो बिल्कुल 100% सही तरीका है। अगर आप इस तरीके से गैस के रेगुलेटर को लगाते हैं तो आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास एक भारत कंपनी का, भारत गैस का एक सिलेंडर है। मैं जो आपको तरीका बताने वाला हूँ वो 100% सही तरीका है गैस सिलेंडर के रेगुलेटर को लगाने का। सबसे पहले दोस्तों, जब भी आप गैस सिलेंडर को लेकर आए, इस बात का आप सबसे पहले ध्यान रखें, जब भी आप नया गैस सिलेंडर लेकर आए वो लीकेज नहीं होना चाहिए। जब भी आप नए सिलेंडर को लेकर आए इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये एक टिप्स है जो मैं आपको दे रहा हूँ, कोई भी आपको नहीं बताएगा। जब भी आप नया सिलेंडर खरीदे इसकी जाँच जरूर करें, और दोस्तों इसके वजन का भी आप जरूर ध्यान रखें, आपके सिलेंडर का वजन कितना है। तो आगे वीडियो में मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा कैसे आपको चेक करना है कि आपका सिलेंडर कहीं लीकेज तो नहीं है। देखिए मेरे हाथ में एक रेगुलेटर है, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको इसको सिलेंडर में अटैच करना होता है। तो बहुत ही सिंपल तरीका होता है, लेकिन काफी लोगों को इसके लगाने का तरीका नहीं पता है। सबसे पहले आपको करना क्या है, आप जब भी नया रेगुलेटर लाएं उसके पाइप को आप अच्छी तरीके से जांच कर लें, कहीं से वो लीकेज नहीं होना चाहिए। अब जब आप इसको इस तरीके से लगा लेते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल भी गैप नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर गैप नहीं है मतलब आपने पाइप को सही तरीके से फिट कर लिया है। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको इसको सिलेंडर पर अटैच करना है। तो यहाँ पर जो आपको ये नोक दी गई है, ये जो बटन दिया गया है, अगर ये इस तरीके से खुला हुआ होगा तो यहाँ पर जो ये पार्ट होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं एक नोक टाइप की आपको दी गई है, आपको इसको इस तरीके से बंद कर लेना है सबसे पहले। तो जैसे कि आप इसको बंद कर लेते हैं, बंद करने के बाद अब आपको इस तरह से यहाँ पर एक दबाने का ऑप्शन दिया गया होता है। तो जब भी आप सिलेंडर पर लगाएं सबसे पहले आपको इस तरीके से दोनों फिंगर से दबा के रखना है इसको, और जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर आपको जो गोली टाइप की है वो देखने को मिल जाएंगी। चलिए अब मैं आपको इसको सिलेंडर पर अटैच करके दिखाता हूँ। देखिए यह है सिलेंडर, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको रेगुलेटर को लगाना है। सबसे पहले आप रेगुलेटर को इस तरीके से लेकर आइए। अब जैसे कि आप अगर इसको जबरदस्ती इस तरीके से दबाएंगे तो ये कभी भी नहीं लगेगा। अगर आप इसको इस तरह से जबरदस्ती लगाएंगे ये नहीं लगेगा। तो इसके लगाने का जो तरीका है वो बहुत ही सिंपल होता है। ये जो आपको ढक्कन दिया होता है इसको आपको इस तरीके से ऊपर की साइड में दबाना है। जैसे कि आप दबाएंगे तो ये जो आपका नीचे का नोजल पे होता है ये बैठ जाता है। बैठने के बाद अब आपको क्या करना है, इसके बाद इस तरीके से आप इसको हल्के से हिलाइए और यहाँ पर जो इसका ये पार्ट होता है वो नीचे की साइड में बैठ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका जो ये रेगुलेटर है अब नहीं निकलेगा। अब आप एक बार इसको इस तरीके से ऑन कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो आपको ये नोब दी गई है, अब यहाँ इसको आप इस तरीके से ऑन करेंगे तो ये ऑन हो जाएगी। अगर आपका रेगुलेटर सही तरीके से नहीं लगा हुआ होगा तो ये नहीं ओपन होगा। तो इस तरीके से आप इसको एक बार जांच कर लीजिए। जैसे कि आप इसको इस तरीके से दबाएंगे मतलब इसको ऑन करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। अगर आपका रेगुलेटर सही तरीके से नहीं लगा हुआ होगा तो ये ऑन नहीं होगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप बहुत ही आसान तरीके से अपने रेगुलेटर को सही तरीके से लगा सकते हैं। तो ये सबसे आसान तरीका है गैस के रेगुलेटर को लगाने का। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप समझ गए होंगे गैस के रेगुलेटर को लगाने का सही तरीका क्या है। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप समझ गए होंगे गैस के सिलेंडर के रेगुलेटर को सही तरीके से लगाते किस तरीके से हैं। तो अगर आपका कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, वीडियो को लाइक शेयर करना भी ना भूलें। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।